जरा प्लीज बहुत सारी तालियां बजाइए फिरोज खान को खुदा और मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशा आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 का अवार्ड जीतने के बाद फिरोज खान का अपने साथी अदाकारों के लिए बड़ा पैगाम उस्मान खालिद भट्ट को दिया। इन्होंने मुंह तोड़ जवाब। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में लक्स ट्रायल अवार्ड शो हुआ है जिसके चर्चे हर जगह पर किए जा रहे हैं। बहुत सारे अदाकारों का इस अवार्ड शो के बारे में कहना था कि फिरोज पर अवार्ड शो में आने की पाबंदी आयद की जाए, मगर लक्स ट्रायल अवार्ड शो वालों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। लक्स की टीम ने बताया कि इनका अदाकार की पर्सनल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो फिरोज का नाम दूसरों के कहने पर नहीं हटा सकते, जिसके बाद अदाकार फिरोज खान का नाम नॉमिनेशन में शामिल किया गया। दोस्तों, इस लिस्ट में अदाकार फिरोज खान, अदाकार इमरान अशरफ, बिलाल अब्बास खान, आहद रजा मीर, दानिश तैमूर और अहमद अली अकबर कम्पीट कर रहे थे और फिरोज खान ने इस अवार्ड को जीत लिया। दोस्तों, अगरचा फिरोज खान अवार्ड शो में नहीं गए थे, मगर इनका अवार्ड इनकी बहन हुमायमा मलिक लेने के लिए पहुंची थी। फिरोज खान ने तमाम अदाकारों के लिए पैगाम जारी किया। इन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अवार्ड जीत लिया है। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मुझे ये अवार्ड लोगों की मर्जी से मिला है, अदाकारों की वजह से नहीं। इस बात को सुनकर तमाम साथी अदाकार भी खामोश रह गए। हवातीनो हज़रात, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय के साथ लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।